आपका मंडल में गुजारने पर बहुत बहुत स्वागत है और भीलवाड़ा हलचल को समय देने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने नाम के आगे समाज सुधारक लिखते हैं जी, तो आप किस प्रकार के समाज की परिकल्पना करते हैं? देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी महापुरुष आए, जितना भी आम आदमी आया, हर आदमी रामराज्य की परिकल्पना करता है कि रामराज पुनः स्थापित हो। कैसे हो, नहीं हो, इसके लिए तो हम लोग दावा नहीं करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने ढंग से उस राज्य की कल्पना करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो भगवान का राज्य कैसा था, लोग कैसे रह रहे थे। तो हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो विकृतियां हैं, आज ज़्यादातर नशाखोरी बढ़ गई है, लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, कर्म में और वाणी में फर्क पड़ गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना कहा जाए उतना क्रिया में भी हो, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि युवा जो भटक रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं, उनको भी सही दिशा पे लाया जाए। और समाज में जो दिनों दिन लोग ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है कि अपराध बढ़ता जा रहा है और अच्छा कार्य धीरे धीरे विदा होता जा रहा है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही दिशा। वर्तमान राजनीति जो चल रही है देश में, उसमें साधु संन्यासियों का आना कहाँ तक उचित है? अगर उचित है तो क्या किसी पद पर जाकर ही राजनीति की जा सकती है या समाज सुधार किया जा सकता है? राजनीति के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है, समाज सुधार किया जा सकता है। हाँ, राजनीतिक लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि साधु सत्ता जो है ना वो राजनीति से ऊपर की सत्ता है, अगर राजा कहीं पथ भ्रष्ट हो रहा है, राजा कोई समाज के विरोध में कार्य कर रहा है, समाज के लिए गलत निर्णय कर रहा है, तो अनादिकाल से हजारों उदाहरण हैं कि महात्माओं ने राजा को दंड दिया है, राजा को समझाया है, तो इसके लिए वो कर सकते हैं। और राज सत्ता निश्चित है कि वो साधु सत्ता से बहुत नीची सत्ता है, साधु को राज सत्ता का लोभ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो समाज के लिए अपना योगदान करे, और अगर राज सत्ता भ्रष्ट होती है तो उसको निश्चित तौर पर समझाए, उसको दंडित करे और अपने तरह से राज सत्ता को समाज के हित के लिए उसको धर्म से जोड़ करके सिखाए कि कहीं धर्म का मतलब कोई टीका लगाना धर्म नहीं है, केवल मंदिर मस्जिद ही धर्म नहीं है, धर्म का मतलब है परहित सरिस धर्म नहीं धाय, जो परोपकार की बात करे, नई असत्य सम पातक पुंजा सत्य का आचरण करे, ये धर्म की व्याख्या है, इसलिए उनको ये सिखाए। महंत योगी आदित्यनाथ जी योगी अभी आपके उत्तर प्रदेश के सीएम हैं जी, क्या उनको इस पद पर रह करके अपनी विश्वसनीयता कायम रख पाएंगे? क्योंकि राजनीति में छल कपट प्रबंध सब होता है और एक साधु संन्यासी जिसके लिए आम जन जीवन आम आदमी सम्माननीय है वह आम आदमी के, तो क्या ऐसी स्थिति में वो सीएम रह करके अपनी विश्वसनीयता बरकरार रख पाएंगे? मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि हम लोग तो दूसरे कार्य को करते हैं, इसलिए किसी का नाम लेना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ ये हम जरूर कहते हैं कि राजनीति जैसे क्षेत्र में कोई रहेगा और फिर वो कहे कि वो सारा कार्य साधु ढंग से करेगा, ऐसा संभव नहीं होता है राजनीति में। लेकिन मैं हमारा स्वयं का मानना ये है कि योगी आदित्यनाथ जी जब से यूपी के सीएम हुए हैं तब से उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को ये दिखाया है कि एक साधु सत्ता पर बैठ करके कुछ न कुछ लोगों का कल्याण कर सकता है, ऐसे कई निर्णय उनके समाज हित में हुए हैं और हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि और समाज हित में उनके निर्णय हों। आप भावी पीढ़ी को क्या निर्देश देना चाहेंगे? आज की जो युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति और मोबाइल संस्कृति में भटकी हुई है, उसके लिए आपके क्या संदेश? हाँ, उसके लिए मैं कहूँगा कि मोबाइल भी बहुत ज़रूरी है, मोबाइल आज की वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक हो गया है, लेकिन उसका उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। जैसे टीवी में जो कार्यक्रम आते हैं वो सारे कार्यक्रम पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये आपके देखने पर अंतर आता है। टीवी में महापुरुषों के प्रवचन आते हैं, हमारी कथा भी आती है, तो आप उसको देखिए, जरूरी नहीं है कि आप कोई समाज विरोधी कोई नाटक आ रहा है वही देखें, तो दोनों स्थितियां हैं। और युवाओं के लिए भी है कि आज अगर वो नेट चलाता है तो नेट पर गूगल में ऐसी व्यवस्था है कि सारे विश्व में क्या हो रहा है सब कुछ उसमें उपलब्ध है, आप चाहें तो उसका उपयोग करें, उस नई टेक्नोलॉजी का लोगों में संचार करें, लोगों में उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग ना हो।